वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। तो चलिए आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 यानी 3.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास टेंथ का 3.1 जो है हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें, तो आप लोगों से ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक पढ़ने में आप लोगों को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग चैनल खोलेंगे, चैनल याद रखेंगे, चैनल फिर खोलेंगे, फिर उसमें तमाम प्रक्रिया आप करेंगे तब यहाँ तक पहुँचेंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे तुरंत आप क्लिक करेंगे हमारा चैनल आएगा और हमारे चैनल पर जो वीडियो पड़ी रहेगी वो आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जो साइड में बेल घंटी के तरीके का बना रहता है उसको भी टच कर दीजिए। इससे ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे वीडियो डालेंगे वैसे ही आप लोगों के मोबाइल सेट पर इसका नोटिफिकेशन मतलब आप लोगों को जानकारी इसकी तुरंत मिल जाएगी, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं ये सारे प्रश्न कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा यहाँ पे। प्रश्न हम सरल ढंग से आप लोगों अच्छे तरीके से ऐसे बता रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, तो और नोट बनाते आप लोग चलेंगे तो इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम जो है लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं स्कूलों से, तो आप लोग इससे ही आप लोग अपना नोट तैयार कीजिए और इससे ही पढ़िए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर एक, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। अब इसी सवाल को आप लोगों को कह रहा कैसे कैसे लगाना है, किस टाइप से इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। सवाल को हल नहीं करना है, आयु की गणना नहीं करनी है, निकालना नहीं है, बल्कि इसको हमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पहले देखते हैं बीजगणितीय रूप में हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे, माना आफ्ताब की उम्र 8 है और पुत्री से कह रहा है पुत्री की उम्र जो है पुत्री की उम्र कितना मान लेते हैं वाई वर्ष, यानी इसकी एक्स वर्ष है आफ्ताब की और पुत्री की उम्र कितनी हो गई वाई वर्ष हो गई। अब 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो लिख देते हैं 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफ्ताब कितने का रहा होगा, कितना रहा होगा एक्स माइनस 7। मौके पर अगर एक्स है तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7 हो जाएगा और पुत्री कितनी हो जाएगी 7 वर्ष पहले वाई माइनस 7। पर ये दशा जो है ये कंडीशन जो है आप लोगों को दर्शाना है कैसे, इस दशा में कह रहा है अभी, यानी हम दोनों को बराबर लिख लेते हैं, देखिए x माइनस 7 और फिर है x y है y माइनस 7, बीच में हम बराबर का निशान लगा देते हैं, दोनों को बराबर लिखते हैं। पर कह रहा है 7 वर्ष पहले जो है तुमसे मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं का मतलब आफ्ताब, ये 7 गुनी है किससे, इससे, हमने बीच में बराबर का निशान लगाया है तो बराबर नहीं है, ये बराबर कब होगा ये, तो क्योंकि ये 7 गुना है तो 7 से जब हम इसमें गुणा कर देंगे, यानी जब हम इसमें 7 से गुणा कर देंगे तभी तो ये बराबर होगा, ये ऑलरेडी कितना है 7 गुना है इससे, तो हम जब 7 से इसमें गुणा कर देंगे तब दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जाएगा। बस इसी को हमें सरल कर लेना है थोड़ा सा, ये आपका हो गया x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। पक्षांतर इसको करते हैं
देखिए 7y को इधर लाएंगे तो ये x माइनस सात हो गया, और 49 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 49 में से 7 निकल जाएगा। देखिए बराबर की इधर लाएंगे कोई समीकरण को हम, तो उसका निशान बदल जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखना है हमको, 49 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस और ये माइनस रहेगा 7, तो प्लस में से माइनस 7 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, प्लस 42। ये आपका 7y है, एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये आपका प्रथम समीकरण हो गया, एक समीकरण, मतलब पहली शर्त के अनुसार ये एक समीकरण आपका बन गया। दूसरी बात देखिए क्या कह रहा है, कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, तो बाद की स्थिति यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब कितना होगा, 3 वर्ष बाद हो जाएगा एक्स प्लस 3। जैसे इसमें पहले की बात कर रहा तो प्लस किए और माइनस किए, और इसमें बाद की बात कर रहा तो प्लस। अब पुत्री कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 3, यानी पुत्री और आफ्ताब दोनों की आयु इस टाइप से हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमको, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेना है। कह रहा है एक्स प्लस 3 बराबर वाई प्लस 3। अब कह रहा है इसमें देखिए क्या, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, मतलब ये 3 गुना इस टाइम है, तो 3 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। 3y प्लस 9 हो गया। या इसको और सरल करेंगे, ये हो जाएगा x और 3y को इधर लाएंगे, माइनस 3y x माइनस कितना हो गया, 3y हो गया, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 9 को जब इधर लाएंगे तो माइनस ये भी हो जाएगा। जब ये माइनस हो गया आपका, ये चीज माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस है घट जाएगा, तो बचेगा माइनस 6 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। ये तो हो गया आपका बीज गणितीय रूप का, यानी ये जो हम दोनों समीकरण आप लोगों को निकाले, ये आपका हो गया बीज गणितीय रूप, इसी को कहा जाता है बीज गणितीय रूप। अब हमको ग्राफीय रूप समझना है, मतलब इसको हम ग्राफ के माध्यम से अगर हम बनाना चाहें तो हम कैसे इसे लगा सकते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए इसका ग्राफीय निरूपण, यानी ग्राफ के माध्यम से हम इसको कैसे निरूपित कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ का मतलब है, आप लोगों को मिलेगा बाजार में ग्राफ पेपर, उस पे हम लोग इस समीकरण को कैसे दर्शाएंगे उसको हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दो समीकरण देख रहे हैं, यानी एक समीकरण आपका ये है 7x-7y+42=0, दूसरा है x-3y-6=0। ये दोनों समीकरण आपके पास हैं। अब हमको इन दोनों समीकरणों के माध्यम से बनाना है अपना ग्राफ, तो चलिए पहले देख लेते हैं। तीन खाना हमको ऐसे बनाना है, इसमें x लिखना है और इसमें y लिखना है। तो x का मान हमें अपने विचार से लिखना है, यानी x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं सोच करके, या वैसे ही अपना x का मान लिखेंगे, और y का मान हमें x से प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपका पहले समीकरण से है ये, यानी इस वाले समीकरण से, तो x का मान 5 लिख देते हैं, इसमें 6 लिख देते हैं, इसमें 7 लिख देते हैं, x का मान मैंने मान लिया। अब देखिए y का मान हम कैसे निकालें, जब x का मान हम पहली बार कितना मान लिए हैं, x बराबर हमने मान लिया है कितना, 5, यानी x की जगह पे हम 5 लिखेंगे, 5 माइनस 7y और
इसको ले जाएंगे बराबर 42 करेंगे, बराबर की दाईं तरफ जाएगा जब ये, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, या 7y बराबर ये जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 7y बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 जब इधर चला जाएगा तो प्लस होगा माइनस होगा, 42 × 5 47 हो जाएगा, और 47 सारी यहाँ पे x का नहीं बल्कि y का मान लेते हैं तो थोड़ा आसान आएगा, क्योंकि अब ये दशमलव में कटने लगेगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं y और x का मान हम प्राप्त कर लेते हैं, x का मान प्राप्त कर लेते हैं, यानी y का मान ने मान लिया 5, 6, 7 आएगा इससे भी, पर दशमलव में आएगा, दशमलव के लिए थोड़ा सा ग्राफ सुटेबल नहीं होता है, तो हम ऐसा मान मानेंगे जबकि पूर्णांक में आए कुछ। तो ये हो गया आपका, इसको फिर से देख लीजिए, y बराबर 5 और फिर 6 फिर 7 हमने मान लिया। अब x का मान निकालते हैं, तो x का मान देख लीजिए इसी समीकरण से हमको देखना है, यानी x माइनस 7 गुणे y बराबर कितना माना है 5 और ये बराबर माइनस 42 ही है, तो इसको जब सरल करेंगे 7 × 5 = 35, 35 उधर ले जाएंगे, ये इधर माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो x बराबर कितना हमारा आ जाएगा 42 ये है, ये प्लस हो जाएगा, 42 में से 35 घटा देंगे तो आएगा कितना 7, लेकिन माइनस में, यानी x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अगर यहीं पे हम 6 मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे 5 माना था ना, 5 माना था यहाँ पे, अब यही हमको क्या मानना है 6 मान लेना है, अगर ये 6 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 6 = 42 हो गया, 42 और 42 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 42 किया गया तो क्या हो गया 0 हो गया, यानी 42 में से 42 निकाल देंगे 0 हो गया। फिर देखते हैं यहीं पे अगर हम कितना रख देते हैं 7 रख देते हैं, 7 × 7 = 49 हो गया, 49 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में से तब 42 हमको माइनस जो है घटाना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका कितना x बराबर तीसरी बार 7, तो ये 7 हो गया। ये तो हो गया पहले समीकरण से, मतलब इस वाले समीकरण से, पहले समीकरण से हमने बना लिया अपना कॉलम। अब देखते हैं दूसरे समीकरण वाला, इसी में पढ़ा देते हैं, इसी में हम बढ़ा दे रहे हैं दूसरे का भी, यहाँ पे y मान लेते हैं, यहाँ पे x, ये समीकरण नंबर 2 से है और ये समीकरण नंबर 1 से है, समीकरण 2 और समीकरण 1 से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो अब इसमें भी मान लेते हैं y का मान -1 - 2 - 3, ये हमने y का मान मान लिया दूसरे समीकरण में। इसमें देखिए, इसमें अपने विचार से कुछ भी, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं जो सुटेबल लगे आप लोगों को, कि ताकि ग्राफ में ज़्यादा बड़ा हमको ना ले जाने पड़े, मतलब उत्तर हमारा इसका ज़्यादा बड़ा ना आए, नहीं तो उतना बड़ा ग्राफ ले जाना पड़ेगा, दशमलव में ना आए, ये सब देख करके हमको मान रखना है। अब -1 अगर रखते हैं, y बराबर कितना रखना है -1, तो देख लीजिए x -3 × -1 - 6 = 0, या x देख लीजिए -, का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 × 3 हुआ, 3 ये और 6 ये कितना हो गया 6 × 3 = 9 हो गया, 9 को उधर ले जाएंगे ये प्लस हो गया सारी, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस है, तो 6 में से 3 निकल जाएगा हमारा इधर, तो कितना बचेगा, माइनस में से प्लस जब निकाल देंगे तो माइनस ही बचेगा, 3 बचेगा, और 3 को जब इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट सवाल जब बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका x बराबर 3 निकल आया। इसके बाद फिर देखते हैं, यहीं पे हमको 2 लिख देना है, यहीं पे -2 इस बार लिखेंगे, 3 × 6 हो जाएगा, और 6 -6 में से जब +6 घटा देंगे तो क्या आएगा x बराबर कितना आएगा 0 हो गया, यानी इस कॉलम में हमारा 0। फिर देखिए यहीं पे हमको कितना लिख देना है -3, अब 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 प्लस है, ये माइनस है घट जाएगा माइनस, तो बचेगा 3 हो गया। अब ये आप लोगों का कॉलम तैयार हो गया, इसी कॉलम के माध्यम से हम अपना ग्राफ भरेंगे, यानी हम अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे।
अब ग्राफ के माध्यम से हम कंप्लीट कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, देखिए इसमें चार प्रकार के चतुर्थांश होते हैं, यानी ग्राफ में या कोई भी ग्राफ का सवाल लगाएंगे उसमें चतुर्थांश पाए जाते हैं। यानी एक होता है ये आपका है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, यानी ये रेखा वाई अक्ष होती है बीच की और एक रेखा होती है एक्स अक्ष होती है। ये इसमें चार चतुर्थांश बन रहे हैं, देखिए एक दो तीन चार, चारों चतुर्थांश में हमको ये देखना है कि फर्स्ट वाला यहीं से चलता है, ये फर्स्ट में सब प्लस प्लस रहेगा, इधर आएंगे एक माइनस एक प्लस, यानी एक्स का मान, पहला मान एक्स का होता है दूसरा मान वाई का होता है। तो पहला मान एक्स का जो है तो एक्स का मान इसमें माइनस होगा और वाई का मान प्लस। इसमें देख लेते हैं, इसमें एक्स का मान प्लस होगा वाई का मान माइनस होगा, इसमें चतुर्थांश चौथे में जब आएंगे तो इसमें दोनों का मान माइनस माइनस होगा। तो ये हमें ध्यान देना है। यहां से देखते हैं ये माइनस नीचे आएगा तो माइनस, इधर बाई तरफ जाएगा तो माइनस, दाई तरफ जाएगा प्लस और जीरो के ऊपर जाएगा तो प्लस। ये बीच वाली रेखा जहां पे दोनों बिंदु काटते हैं एक्स और वाई अक्ष काटता है वहां पे होता है जीरो। अब इसी पे हमें ये ग्राफ सेट करना, मतलब ये सवाल हमें अपना सेट करना है। पहले ग्राफ देखते हैं, देखिए करा एक्स का मान कितना है सात है, वाई का मान कितना है पांच, एक्स का मान सात, देखिए सात जो है हमारा कहां जा रहा है, यही रेखा है प्लस, दोनों है प्लस प्लस है तो प्लस ही में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, मतलब प्लस वाला कॉलम यही तो है तो प्लस ही में जाएगा। अब सात कह रहा है एक्स का मान सात, तो सात ये देखिए है कितना गया यहां तक जाएगा, यानी एक्स पे सात हम ले जाते हैं, ये एक्स रेखा है एक्स पे हम बढ़ते हैं सात। वाई पे कह रहा है कितना पांच, वाई का मान कितना है पांच, तो वाई रेखा यही तो है पांच बढ़ते हैं ये मिला। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, पांच वाली रेखा को हम सात तक बढ़ाएंगे क्योंकि सात यही तो है, यानी ये बिंदु हमको मिला, पांच वाली रेखा इधर पांच गए और इधर सात गए। अब दोनों को हम ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं, इधर इसको बढ़ा देते हैं इधर इसको, ये हमारा बिंदु मिल गया और ये बिंदु मिला आपका सात और पांच, वाई का मान पांच और एक्स का मान सात, एक बिंदु आपका मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु, दूसरा है छः जीरो, वाई का मान छः, तो वाई के मान में हम चलते हैं कहाँ पे छः, वाई का मान यही देखिए ये है छः आपका, और छः पे चलने के बाद हाँ छः तक गए और यक्स का मान जीरो, कहने का मतलब यक्स का मान नहीं कहीं जा रहा है, यक्स यही जीरो पे है तो इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे छः तक ले जाएंगे, क्योंकि ये नहीं बढ़ रहा है, इधर जा ही नहीं रहा कुछ, यक्स पे कुछ नहीं जा रहा है और छः पे तो गया, छः को हम ले गए ऊपर और यक्स पे कहीं नहीं जा रहा है, मतलब जीरो जा रहा है, तो ये एक बिंदु आपका ये मिल गया क्या जीरो और छः, जीरो छः ये बिंदु आपका मिल गया, दो बिंदु हो गए आपके। सारी यहाँ पे एक चीज गलत हो रहा है, ये आपका माइनस में आ रहा है, यहाँ पे नहीं जाएगा ये बिंदु, यहाँ पे माइनस में आएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे रंग कर दिए थे पहले, और एक बिंदु और गलत हो गया था, इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो इसको माइनस के हिसाब से देखते हैं, फिर से इसको देखते हैं, ये वाला तो सही है आपका छः जीरो हो गया सही, फिर सात पाँच और सात कह रहा है, तो वाई पे पाँच ले चलते हैं, y का ये पाँच हुआ और माइनस सात ले चलते हैं, यानी x का मान जो है हमको माइनस की तरफ ले चलना है, x का मान किसकी तरफ ले चलना है, x का मान माइनस की तरफ ले चलना है, तो x का मान हम चलते हैं सात, हमको यहाँ पे मिलता है। अब सात ये हो गया और पाँच ये, तो पाँच को इधर लाते हैं और सात को ऊपर ले जाते हैं, तो पाँच और सात यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, ये आपका माइनस सात बिंदु हो गया और पांच, माइनस सात और पांच ये आपका बिंदु मिल गया, क्योंकि ये माइनस की बात कर रहा है, देखिए ये माइनस प्लस होता है तो पहले माइनस फिर प्लस, इस टाइप से आ गया। अब एक और बचा है सात सात का, यानी किसका मान एक्स का मान वाई का मान सात और एक्स का मान सात, और दोनों प्लस में है तो प्लस ले चलते हैं, तो ये हो गया आपका सात यहाँ और ये सात यहाँ, दोनों को आगे बढ़ाते हैं,
हमको मिलता है यहाँ बिंदु, यानी सात और सात, ये बिंदु मिल गया। तीनों बिंदु आप लोगों को प्राप्त हो गए करेक्टली। अब हमको जहां जहां ये बिंदु मिले हैं यही बिंदु आपस में मिला देना है, यानी यहाँ मिला है तो यहाँ से हम पट्टी रखेंगे अपना स्केल यहाँ पहुँचे, और यहाँ से फिर ऐसे बढ़ाते हैं यहाँ, पटरी से मिलाना है स्केल से ताकि सीधी रेखा बने। तो ये आपका पहले समीकरण से ग्राफ बन गया, यानी पहले समीकरण से ये ग्राफ आपका तैयार हो गया। अब देखते हैं दूसरे समीकरण से, पहले का बन गया दूसरे का देखते हैं, सेम वही तरीका है, सब कुछ वही है। एक सवाल आप लोग समझ लेंगे सारा सवाल आ जाएगा। दूसरा है -1, वाई का मान -1 और एक्स का मान 3, तो एक्स का मान हम 3 पे चलते हैं। एक्स का मान 3 कहाँ है, 1, 2, 3 ये हो गया, और वाई का मान -1 तो -1 ये है। अब इधर बढ़ते हैं 3 की तरफ तो हमको ये बिंदु मिलेगा, एक ये है वाई, यही तो है वाई, माइनस चल रहा है तो माइनस की तरफ हम चलते हैं, एक बिंदु यही है, एक को इधर ले जाते हैं 3 तक ले जाते हैं, यहाँ हमको मिल गया एक बिंदु। ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये बिंदु नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का है, प्लस और माइनस में हमको चलना है, यानी प्लस माइनस देखना है, और नीचे वाला हम जिस कॉलम में चल रहे थे वो तो माइनस माइनस का है, तो प्लस माइनस हम चलिए ये चतुर्थांश का निशान भी थोड़ा सा रंग कर दिए थे, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, यानी ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। अब इसमें हमको यही चलना है -1 और 3 -1 और 3, तो -1 हम चले यहाँ पे और 3 चले यहाँ पे, तो -1 का मतलब हो गया ये और 3 का मतलब ये, तो यही बिंदु हमारा होगा जो ऑलरेडी हम पहले लगाए थे, सही लगाए थे, यहाँ पे थोड़ा यही वाला निशान गलत किए थे इसी से। तो अब ये हो गया बिंदु, एक बिंदु हमको मिल गया, ये क्या मिला आपको -1 और 3, यानी 3 मिल गया, तीन और -1 ये बिंदु मिल गया। अब दूसरा देखते हैं -2 और 0, -2 वाई का मान, वाई का मान -2 और एक्स का मान 0, तेरह इसी में आएगा, -2 ये है और 0 एक्स का मान है तो एक्स जाएगा ही नहीं, तो ये आपका ये कॉलम हो जाएगा, ये आपका 0 -2 0 हो गया और -2 हो गया, 0 -2 यानी ये बिंदु हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा -3 -3, दोनों माइनस माइनस में चल रहा है, तो -3 और -3, तो -3 -3 का मतलब ये हो गया, -3 इधर आएगा -3 यहाँ पे जाएगा, दोनों को यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये मिलेगा हमको -3 और -3। अब यही रेखा हम मिला देंगे, ये देख रहे हैं आप, एक बिंदु यहाँ पे है, इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं यहाँ पे लाते हैं, और ये तीनों आपस में मिलने चाहिए, सीधी रेखा थोड़ा सा बनेगी यहाँ से यहाँ, ये रेखा आपकी बन जाएगी, मतलब तीनों बिंदु जो हमको प्राप्त हुए हैं उन्हीं को मिलाते हुए हमें बनाना है। तो इस टाइप से आप देखे होंगे कि ग्राफ बनाना भी आसान है, केवल यही कॉलम एक बन जाए, यानी ये वाला कॉलम आपका जब बन जाता है, ये वाला आपका कॉलम जब बन जाएगा तो इसको बनाना आसान है, कुछ करना नहीं है। सेकंड सवाल जब हम बताएंगे, दूसरा सवाल बताएंगे, तो जो इसमें रही सही कसर होगी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, ये आप लोगों को क्लियर कर देगा कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने 1 बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। अब इसी चीज को आप लोगों को बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना
एक बल्ले की कीमत बराबर एक्स रुपए और एक गेंद की कीमत वाई रुपए यानी वाई रुपए। एक बल्ले की कीमत एक्स रुपए और एक गेंद की कीमत वाई रुपए। अब कह रहा तीन क्या खरीद रहा है, 39 में तीन बल्ले, एक का है एक्स तो तीन का हो जाएगा तीन एक्स यानी तीन एक्स रुपया ये, और एक गेंद की कीमत वाई है तो छः गेंद की कितनी हो जाएगी छः वाई। ये सब यानी दोनों मिला के जोड़ने पे कितने का ले रहा है वो 3900 का, 3900 का ले रहा है। सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, तीन से काट देते हैं सबको, एक्स प्लस दो वाई बराबर दो एकम दो हो गया, दो एकम दो एक बचा 19, दो नवा 18, दो पंचे 10। ये आप लोगों का पहला समीकरण बन गया 1950 यानी एक्स एक्स सॉरी दो से काट दिए हैं तीन से काटना है तो ये आ जाएगा 1300 यानी एक्स प्लस दो आई बराबर 1300। ये आपका पहला समीकरण बन गया। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा समीकरण बना लेते हैं। कह रहा तथा उसी प्रकार की दो गेंदें यानी इसको दूसरी शर्त लिखेंगे, दूसरी शर्त में जो हमको कह रहा उसको कह रहा उसी प्रकार की दो गेंद, दो गेंद का मतलब दो एक्स, क्या कह रहा है तीन बल्ले तथा छह गेंदें तो तीन एक्स उसी प्रकार की कह रहा है दो गेंदें उसी प्रकार उसने आगे देखिए हम बाद में उसने एक बल्ला का मतलब एक्स हो जाएगा एक्स रुपया तथा उसी प्रकार की दो गेंद का मतलब हो गया दो वाई, दो वाई हो गया और कितने में ले रहा 1300। सिंपल सा है ये दूसरा यानी ये आप लोगों का बीजगणितीय रूप हो गया यानी बीजगणित रूप में हमने इसको परिवर्तित कर दिया। अब इसका ग्राफीय रूप देखते हैं तो ग्राफीय रूप देखने के लिए हम इसका पहले उसी तरीके से पहले सवाल जैसे इसका मान ज्ञात करेंगे यानी x का मान पहले ज्ञात करेंगे फिर और ये भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण सेम सेम आया है, बीज गणितीय रूप में जब हमने व्यक्त किया दोनों का सेम आया है तो हमको एक ही बार में एक ही ग्राफ में हमारा काम हो जाएगा यानी एक ग्राफ हमको बनाना है। तो ग्राफ को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफ का जो पैमाना था हमारा इसमें हम बना लेते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई हमने मान करके यहाँ पे पहले हमको इसका पैमाना बना लेना है कॉलम। वाई एक्स मान लेते हैं, वाई एक्स यहाँ पे देखना यह है एक्स वाई कुछ भी आप मान सकते हैं, एक्स ही ऊपर लिख सकते हैं वाई ही लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सरल ताकि आपका आ जाए, नहीं तो बटे में आ जाएगा तो कटेगा नहीं, तो ये ध्यान में हमको देना है कि x का मान माने कि y का मान माने और मान कितना माने कि ताकि पूरा पूरा घट जाए पूरा पूरा जुड़ जाए। तो x और y, तो x का मान हम मान लेते हैं, y का मान 200 मान लेते हैं, 300 400 ये तो y का मान हो गया। अब हमें x का मान इसके आधार पे निकालना है तो देखिए y का मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे यानी x प्लस 2y बराबर 1300 तो अब हमको क्या लिखना है, y बराबर 200 लिखना है तो y 200 लिखेंगे, x प्लस 2 गुणे 200 बराबर 1300। अब देखिए 2 गुना 400
400 जा करके इसमें से घटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 900, यानी x का मान 900। यहीं पे ध्यान देना है, पिछले सवाल में ही रंग थोड़ा सा हो गया था, तो x बराबर आया कितना 900। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगर हम 300 मान लेते हैं, 3 3 9, 3 × 6 हो जाएगा, 6 जाकर के इसमें से घट जाएगा, तो 13 से में से 6 घटेगा 7, 7 से x बराबर दूसरी बार कितना हो गया 700 हो गया। तीसरी बार यहीं पे हमको मान लेना है 400, तो 4 × 8 हो जाएगा, 8 इसमें से जाकर घट जाएगा, तो 8 × 5 = 13, यानी इसका मान 500, 900 700 500, ये आपका आ गया। अब इसका ग्राफीय निरूपण हम आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ, तो ग्राफ में देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं सब हमारा प्लस प्लस में है, तो एक ही कॉलम हमको बनाना है, तो एक कॉलम में हम बना देते हैं, प्लस वाले का केवल बना दिए हैं बस। तो 200 y = 200 और x = 900, देखिए 200 ये है, वाई का मान यही तो है, इसमें 200 ये है और 900 एक्स का मान ये है, यानी वाई की तरफ 2 चलते हैं और x की तरफ 9। इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि ये रेखा जब आए जाएगी आपकी इस टाइप से ग्राफ में मिलेगा आपको यहाँ पे, तो ये बिंदु आपका मिल जाएगा। इसके बाद 300 700 300 ये चलता है और 700 कहाँ है, ये है, यानी ये आपका इस टाइप से बढ़ेगा ऊपर, 300 ये पहुँच जाएगा, एक बिंदु ये मिल जाएगा आपका। फिर अगला चलते हैं 400 और 500, तो 400 आप देख रहे हैं ये है और 500 ये है, इसको ग्राफ में आप पढ़ाएंगे तो ऐसे दोनों बिंदु आप लोगों को मिलेंगे। अब ये तीनों बिंदु आपको मिल गया, पिछले में हम ग्राफ टाइप का बना दिए थे इसलिए उसमें थोड़ा सा दर्शाने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे क्लियर है, इस टाइप से ग्राफ आपको रहेगा, ग्राफ मिलेगा और तीनों बिंदु जब आपके मिल जाए तो आप जो है इसको स्केल रख करके तीनों बिंदुओं को आप आसानी से ऐसे मिला सकते हैं। ये तीनों बिंदु हो गए और इसी तरीके से आप रखेंगे, ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया, यानी इस टाइप से हम ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मान रखना है हमको मान लिख सकते हैं, जैसे ये कितना है, एक्स का मान 900 है तो 900 और कितना है वाई का मान 200 200, यहाँ पे देखिए 700 और वाई का मान 300 ये हो गया, और यहाँ पे 500 400, यानी एक्स का 400 वाई का 500। इस टाइप से आप ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों को कंफर्म आ गया होगा सही सलामत। पिछले सवाल में एक दो मिस्टेक हो गया था, तो ध्यान से अगर लगाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगा आप लोगों का, ये कंफर्म है। तो चलिए एक सवाल और बचा, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का दाम 160 रुपये तथा बाद में 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का दाम 300 रुपये हो जाता है। अब इसी स्थिति को आप लोगों को दर्शाना है किससे, बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में। तो पहले बीजगणित रूप में हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसमें माना 1 किलोग्राम सेब का दाम जो है एक्स रुपया है, मान लेते हैं 1 किलोग्राम सेब का दाम कितना है एक्स रुपया है, तो 2 किलोग्राम कह रहा है और इसमें और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम
एक किलोग्राम सेब का दाम एक्स रुपया और एक किलोग्राम अंगूर का दाम वाई रुपया। अब कह रहा है दो किलोग्राम सेब, दो किलोग्राम सेब का दाम कितना हो जाएगा, दो दो एक्स, और कह रहा है एक किलोग्राम अंगूर का दाम, तो एक किलोग्राम अंगूर का दाम कितना है वाई रुपया, वाई लिख लेते हैं। और इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों की कीमत कुल कितना हो रहा है, 160 रुपये, यानी दोनों की कीमत मिला करके कितना रुपया हो रहा है, 160 रुपये। बस आपका ये पहला समीकरण बन गया पहले शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त में देखते हैं, दूसरी शर्त जो कहती है उसके अनुसार हम अपना समीकरण बनाते हैं। कह रहा बाद में चार किलोग्राम से, तो चार किलोग्राम का कितना हो जाएगा, चार एक्स रुपया, दो किलोग्राम अंगूर, दो किलोग्राम का दो एक्स दो वाई हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 300 हो गया। अब इसको हम सरल करते हैं, दो से भाग कर देते हैं, समीकरण 60 हो जाए, थोड़ा सा सरल हो जाए, तो ये हो जाएगा दो एक्स प्लस वाई बराबर 150। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब ये आपका समीकरण जो है यानी किस विधि में हो गया, ये जो हम आपको बताए ये आपका बीजगणितीय रूप में हो गया है। अब आपको वही ग्राफीय विधि लगाना है, यानी ग्राफीय विधि कैसे हम लगाते हैं इसको देखना है। अब इसका कॉलम बना लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं x y y 50 मान लेते हैं, 100 150, एक का 50 मान लेते हैं x का मान, एक में 100 फिर अगले में 150 मान लेते हैं, और y का मान इसी आधार पे हम दोनों समीकरण से निकाल लेते हैं, इसमें भी इसमें भी। तो पहले वाले से निकालते हैं, देखिए पहले वाले हमने माना है x बराबर 50, तो x का मान हम 50 रखेंगे, इसीलिए देखिए 2 × 50 प्लस y बराबर 160, तो 50 दुना कितना हो गया, 100 हो गया, तो y बराबर 160 माइनस 100, 160 में 100 निकल गया, y बराबर कितना है 60, तो y बराबर यहाँ पे आ गया 60। और फिर इस बार रखेंगे दूसरे में 100 रखेंगे, जहाँ पे 50 लिखे थे हम वहाँ पे क्या कर लेना है 100, तो 200 हो गया ये, और 200 जब इधर जाएगा माइनस होकर के, यानी 200 पहुँच जाएगा, तो 200 में से 160 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 पर माइनस, यानी वाई बराबर कितना है माइनस 40। तीसरी बार देखते हैं, 150 हो जाएगा यहीं पर, यानी 100 की जगह 150, तो ये 300 हो जाएगा, और 300 में से जब 100 ये आपका हो गया यहाँ पे 300, अब 300 में से 160 घटाएंगे हम, तो बचेगा माइनस में 40 और 140, यानी माइनस 140, माइनस 140 हो गया, यानी अब एक पहले समीकरण का आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला आप इसका देख लेते दूसरे समीकरण से, इसी अब एक ही समीकरण से हम यानी x का मान एक ही बार रखने से दोनों का मान निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सीधा सीधा निकल जा रहा है, इसलिए अगर नहीं निकलता तो इस x का मान अभी हम दूसरे समीकरण में दूसरा कुछ रखते तब y का मान निकालते, पर इससे निकल जा रहा है इसलिए हमने एक ही बार मान लिया। तो यहाँ पे अब की बार हम x का मान कितना रखना है, 100 यहाँ पे इस समीकरण में रखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 × 50 प्लस वाई, 2 × 50 प्लस वाई बराबर 150, अब 100 हो गया, वाई बराबर 100 उधर चला जाएगा और 150 में 100 घट जाएगा सीधा सीधा, तो बचा कितना 50, वाई बराबर 50।
फिर देखते हैं, 100 रखे थे, अब की बार लिखना हमको 100, 50 रखे थे, 100 रखना है, तो 200 हो गया, ये हो जाएगा आपका 200 उधर जाएगा, 150 घट जाएगा, -50। तीसरी बार यहाँ पे आप लोगों को 150 है, 150 दूना 200, 300 से घट जाएगा तो बचेगा 150, यानी -150। ये आप लोगों का कालम बन गया। हाँ तो चलिए इसका ग्राफ से निरूपण देख लेते हैं। पहली बार देखते हैं इस समीकरण से, ऊपर वाले से समीकरण लिख लेते हैं, मतलब ये वाला समीकरण। तो 50 और 60 है, x पर 50 और y पर 60। तो x पर यहाँ पे नीचे का नहीं लिखे हैं, हाँ तो ये x का मान 3 ही है, 50 है, 100 है और 150 है, इसी के माध्यम से देख लीजिए। अब कह रहा है x का मान 50 और y का मान 60, दोनों प्लस में, x का मान तो 50 ही हो गया, y का मान हम देख रहे हैं 60 ही है, तो यहाँ से बढ़ते हैं 50 के सामने तक चलते हैं, तो ये आपका बिंदु हो गया। दूसरी बार कह रहा है 100 और -40, यानी किस पे, x पे 100, x पे 100 बढ़े, -40 ये, तो यहाँ से बढ़ते हैं 150 और -140, 150 ये है और -140 आप चले आइए यहाँ, ये बिंदु आपका यहाँ मिल गया। अब यही तीनों बिंदु आपको मिला देना है, यानी ये तीनों बिंदु आपको स्केल से मिलाना है। स्केल ले लेते हैं, यही तीनों बिंदु आपको स्केल से ऐसे ही मिला देना है। ग्राफ हो गया आपका कंप्लीट। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, और इसका समीकरण जो था वो क्या था आपका, 2x + y = 160, इसी समीकरण का बना है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम x का मान कितना है, 50 है और y का 60। यहाँ पे x का मान 100 है और y का मान है -40, और यहाँ पे x का मान 150 है, y का मान 140 माइनस, बस ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। एक समीकरण और बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसी में इसमें देखिए कह रहा 50 50, दोनों 50 50 हैं, तो चलिए 50 ये हुआ और 50 ये है, इसका 50 ये है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक बिंदु आपको ये मिलेगा। दूसरी बार कह रहा है 100 और -50, तो 100 यहाँ पे चलते हैं और -50 हम थोड़ा सा आगे इसी के बढ़ लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका। फिर अगली बार कह रहा है 150 और 150, तो 150 आप चलते हैं यहाँ पे और 150 ये आपका जाता है यहाँ, यानी यही जब आगे बढ़ जाएगा तो 150 आपको मिल जाएगा, 150 हो गया। अब यही मिला देना है आपको, यानी ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये हो गया, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ये हो गया, और इसका समीकरण जो है आपका 2x + y = 150, 2x + y = 150, ये समीकरण आपका बन गया। और यहाँ पे बिंदु हम लिख देते हैं कितना कितना है, 50 50
दूसरा है सौ माइनस पचास, यानी ये है सौ माइनस पचास, और एक बिंदु यहाँ पे है एक सौ पचास, एक सौ पचास, एक सौ पचास और माइनस एक सौ पचास। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा ग्राफीय निरूपण, यानी इस टाइप से आगे भी सवाल मिलेंगे, इसके आगे वाले चैप्टर में भी इस टाइप के सवाल हैं, तो इसी टाइप का हमें ग्राफीय निरूपण वहाँ भी करना होगा। तो आज आप लोगों ने प्रश्नावली 3.1 कम्प्लीटली देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।